वेलकम टू रकीब एप्पलवीड नर्सरी। रकीब एप्पलवीड नर्सरी से स्वागत है आप सभी लोगों से। दोस्तों आज जो प्लांट हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट वैरायटी है, न्यू वैरायटी है, मिस इंडिया कलर आप देख सकते हैं, 70% कलर इसमें रहता है। तो अब प्लांट को मैंने देखा है, वेरीफाई किया है, इसके बाद मैंने सोचा एक वीडियो भी बनवा लेते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। ये जो आप देख रही है इसमें से ऑलरेडी 2 से 3 बार ऑलरेडी हम लोग हार्वेस्टिंग कर चुके हैं इसमें से, बाकी जो लास्ट का जो है 1-2 बार का हार्वेस्टिंग जो बचा हुआ है वही है। लेकिन क्या होता है इसमें ये जो आपको देख रहे हैं थोड़ा हरा हरा हो रहा है, इसी के कारण इसका अंदर अच्छी तरह से धूप नहीं गया है, इसी के कारण थोड़ा आपको पीलापन हो गया, येलो हो गया। तो आप देख सकते इस नए फ्रूट है, इसका ओजोन आप अगर पूछेंगे तो इसका ओजोन ज़्यादा नहीं आएगा, आपको 40 से 50 ग्राम के आसपास आपको आएंगे। जैसे सीडलेस एप्पल बेर में आप स्क्रीन पे मेरा वीडियो देख लीजिए, इसका भी जब वीडियो शुरुआत में आया था तो जिस तरह से पोचार हुआ था उस तरह से सप्लाई नहीं हुआ सीडलेस एप्पल बेर का, उससे बढ़िया बॉल सीडलेस से बढ़िया आपको बॉल सुंदरी अच्छी खासा चल रहा है, जो कि इसका भी फोटो आप मोबाइल की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और ये जो मिस इंडिया है इसमें कलर 60-70% कलर रहता है, बाकी जो है आपको हरा होता है, ठीक है। और खाने में अगर आप पूछेंगे, लेकिन इसमें जो है फ्रूटिंग काफ़ी ज़बरदस्ती पकड़ता है, इसमें 35-40 के जी के आसपास हो जाता है, लेकिन फ्रूट का साइज़ उतना नहीं बन पाते हैं जितना बॉल सुंदरी है, कश्मीरी है, उसके बराबर नहीं हो पाएगा, लेकिन कलर मस्त है। और खाने की अगर आप बात करेंगे तो खाने में उतना मतलब मीडियम है, ठीक है, ऐसा पानी पर नहीं है, जो ग्रीन एप्पल बेर से ठीक है, बेस्ट है। और इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं, ये लगभग 35-40 ग्राम के आसपास होगा है। और जो हमने मैच्योर वाला जो बिका है वो आपको लगभग 45-50 ग्राम के आसपास ही हुआ है, उससे ज़्यादा तो नहीं हुआ है। और ये प्लांट 60-70% अब इसमें कलर अब देख पाएंगे। अगर आप बोलेंगे हम मिक्स करके खेती करेंगे तो ये भी कुछ अब लगा सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं। और कश्मीरी या बॉल सुंदरी में भी अच्छी खासा उसमें फ्रूटिंग भी होता है, और उसमें 35-40 के जी के आसपास वो भी हो जाता है। मेरा मानना है, आप अगर मेरे से पूछेंगे, मैंने ऑलरेडी इसका फ्रूट खाया है, उतना ख़ास मेरे को नहीं लगा है, पहले आपको बोल देता हूँ। खास मतलब एक्चुअली मीठा मीठा से अगर बात करेंगे तो जैसे कश्मीरी है, बॉल सुंदरी में जिस तरह से इसमें मीठा होता है उससे थोड़ा कम मीठा होता है, ठीक है। जिसका शुगर वगैरह है उसके लिए बेस्ट है इसके ये प्लांट, जो है ना मीठा है ना आपको खट्टा है, तो मीडियम साइज में रहता है। तो अगर इसका खेती बाड़ी करना अगर चाहते हैं तो आप इसका खेती कर सकते हैं, ये प्लांट भी हमारे पास आपको हो जाएगा। और प्लांट आपको मैं अंदर जाके दिखा रही, इसका देख लिए नीचे की तरफ देख लीजिए, थोड़ा मतलब अंडा के जैसे नीचे एक क्राच हो रहा है, नीचे की तरफ दिख दे रहा है वो, तो ऐसा ही है। लेकिन फ्रूट काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें पकड़ता है। और हमारे एक गुजारिश है हमारे चैनल में, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एप्पल बेर में जो भी डिटेल्स जानकारी है हम पूरे आपको अपडेट देते रहते हैं इस वीडियो को अंदर, इस चैनल के अंदर है एप्पल बेर में कोई सा भी साला इस वीडियो इस चैनल में आपको ज़रूर वो वीडियो मिलेगा। अब मैंने सब कुछ दिखा दिया है, इसको आप बुगाई कर सकते हैं, पौधा से पौधा आपको 8x12 भी लगा सकते हैं, 8x10 भी लगा सकते हैं, ठीक है। 8x12 लगाने से आपको लगभग 400 प्लांट लगेगा 1 एकड़ में, और 8x10 की सबसे प्लांटेशन करेंगे तो लगभग 500 पौधा लगेगा।
और मार्केटिंग प्राइस अगर आप पूछेंगे तो मार्केटिंग प्राइस आपको लगभग ये जो है मेरे ख्याल से साइज़ थोड़ा छोटा बन रहा है, इसीलिए ज़्यादा आपको मार्केटिंग भी नहीं मिलेगा। 30-35 के आसपास मेरे ख्याल से इसका होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइज़ अगर बड़ा होता तो कमाल हो जाता है इसमें। इसका साइज़ थोड़ा कश्मीरी के बराबर अगर हो जाता तो बहुत ही अच्छा आमदनी भी है इसका, लेकिन साइज़ में छोटा है इसीलिए थोड़ा इसका डिमांड, जैसे सीडलेस में ऐसे हुआ था, इसको भी ऐसा ही होने वाला है। तो सीडलेस में काफ़ी, सीडलेस में तो एक बात है, इसमें फ्लोरिंग जिस तरह से आता है सीडलेस एप्पल बेर में, उस तरह से इस पर 70% फ्रूट इसमें ज़्यादा लगता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा जो है झड़ जाता है, लेकिन इसमें जो है इसमें काफ़ी फ्रूट था, लेकिन इसमें हार्वेस्टिंग हो गया है इसीलिए आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अच्छा खासा इसमें प्रोटीन पकड़ता है, पूरा मतलब गुच्छे में पकड़ता है ये प्लांट फ्रूट। इसमें आप अगर इसमें खेती करना इंटरेस्ट है तो हमारे वीडियो के नीचे हमारा नंबर शो कर, इस नंबर से लेके हमारे साथ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये प्लांट हम ऑल ओवर इंडिया होलसेल सप्लाई करते हैं और पूरा भारत में कहीं भी हम लोग भेज देंगे। आप जैसे हमारा ट्रेन से पार्सल भी होता है, हमारा होम डिलीवरी का, होम डिलीवरी मतलब ट्रांसपोर्ट मंगा के हम लोग सीधा, अगर क्वांटिटी ज़्यादा रहते तो उनको घर तक हम लोग माल भिजवा देते हैं। तो उधर जो है और कलर आप देख सकते हैं उधर से इधर लेके आ रहा है, तो इसका मार्केटिंग अगर थोड़ा साइज बड़ा होता तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन आप देख लीजिए, आप अगर डेमो एक के लिए या 200-100 जैसे मिक्स खेती करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो मेरे एक मानना है आप अगर 400 पौधे ले रहे तो 50-100 ये भी ले लीजिए, लेके आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा ये बहुत अच्छा वैरायटी है, ठीक है, आप पहले देख लीजिए, मेरे को मीडियम लगा है, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा होता, मैं यही बात बोलूँगा, अगर बड़ा होता तो अच्छा होता, कलर वगैरह सब तो कुछ तो ठीक है। मीठा की बात किया जाए तो मीठा जो मीडियम का है। तो मेरा ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए जिन्होंने ये पेड़ लगाया है, ये अगर कुछ जानकारी भी उनको चाहिए तो हम ज़रूर जानकारी दे देंगे, ठीक है। और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को सामने लाता रहूँगा। और आप लोग अगर किसी प्लांट का रिक्वायरमेंट है तो हमारे साथ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। हम पहले बागवानी करते हैं, उसका बाद ही हम प्लांट तैयार करके भेजते हैं, आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। और हमारे पास ग्राफ्टन प्लांट होता है, सभी के सभी हाइब्रिड प्लांट है, और ये प्लांट हम ऑल ओवर इंडिया होलसेल सप्लाई करते हैं। तो ये फ्रूट भी आप देख सकते हैं ऐसा है, इसका कलर होता है, ठीक है। तो आने वाले और भी कई वीडियो आपको मिलेगा इस चैनल में, तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इसके बारे में कुछ आपको जानकारी भी चाहिए, नॉलेज अगर चाहिए तो हमारे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, इसी साथ हमारे साथ बना रहिएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय किसान।